गुड मॉर्निंग एवरी वन कल होमवर्क दिया था एक्सरे वाले प्रॉब्लम जिसमें इंटेक्स एक्सरसाइज थ्री था एक्सरसाइज वन में दिया था तो उसमें कुछ डाउट है क्या एक्सरसाइज वन का फोर्टी एट इंटेक्स टू हो गया पूरा इंटेक्स टू दिया था और एक्सरसाइज वन में कुछ ठीक है एक्सरसाइज वन का देखते हैं फोर्टी एट देखो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू ट्यूब बोला गया है मतलब वो V2 की, बात हो रही है, पूरे के की बात हो रही है तो उससे क्या होगा एज ए रिजल्ट इन द एमटेड रेडिएशन मिनिमम वेवलेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी ना इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड अब देखो इसमें क्वेश्चन देख के ये समझ आ रहा है कि देखो वेबलैंथ तो डिक्रीज होनी थी इसमें इंक्रीज कराया वो नहीं हो सकता अब इंटेंसिटी भी पूछा जा रहा है तो इंटेंसिटी पे हम ऐसे सो सकते हैं कि इंटेंसिटी जो ओवरऑल इंटेंसिटी होगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी ना ओवरऑल इंटेंसिटी जो हो रही होगी यहाँ से पर सेकेंड जितनी एनर्जी क्रॉस हो रही होगी वही जाके बाद में आगे एक्सरे में कन्वर्ट हो रही होगी ना तो अगर हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया तो अब पर सेकेंड जो एनर्जी क्रॉस होगी वो बढ़ जाएगी ना ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां पर अब अगर ज्यादा एनर्जी पहुंचेगी तो कन्वर्ट भी ज्यादा होगी तो मतलब इ... पर यूनिट एरिया पर सेकेंड जो एनर्जी निकल रही होगी वो भी बढ़ जाएगी तो इंटेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए इसका आंसर देखो फोर्टी एट का क्या है हाँ मैंने देखो प्रतीक जो बोला था मैंने कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्या होगी उसका बोला था ना कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी वो नहीं बता सकते ओवरऑल इंटेंसिटी तो बता सकते हैं ना तो मैंने देखो ये बोला था ऐसे ग्राफ लेकर इंटेंसिटी जो है वो क्या हो रही है वो हमें नहीं पता न? लेकिन पूरी ओवरऑल इंटेंसिटी हर वेवलेंथ की ऐड करके देखे तो वो बढ़ रही है ठीक है समझ आ रहा है ना क्योंकि टोटल ओवरऑल एनर्जी तो आने वाली बढ़ गई ना तो फिर वही रेडिएशन भी ज्यादा मिलेगा फिर नेक्स्ट चलें फिर आगे करें न्यूक्लियर फिजिक्स कल हम लोग कर रहे थे तो देखो कल हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में सबको समझ आया ना कि कल मैंने इंटेंसिटी जो बोला था इस प्रॉब्लम में जो इंटेंसिटी है दोनों में डिफरेंस क्या था मैंने कल पर्टिकुलर कोई एक वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्या होगी उसपे कमेंट किया था ना कि वो नहीं हो सकता है कोई कमेंट उस पर आ जाएंगे वो एक्चुअली सुबह लेट रहता है सुबह जल्दी रहता है ना तो लोग थोड़ा धीमे धीमे आते हैं और यहाँ पे क्या बात हो रही है ओवरऑल इंटेंसिटी ना सब वेबलेंथ की मिला करके इंटेंसिटी जो है वो क्या हो रही है तो अब हम लोग देखो न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो कल हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में देख लिया था उसका सिंबल वगैरह देख लिया था न्यूक्लियर फोर्स देख लिया था मास डिफेक्ट देख लिया था ना अब हम लोग इस पे नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी देखो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है हमने देखो ये देखा कि कोई भी न्यूक्लियस है तो उसके अंदर जो भी प्रोटॉन होंगे हाँ वही वही देखने जा रहे हैं आदित्य अब ना जो भी प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उनका जो मिला के टोटल मास है जब वो फ्री कंडीशन में थे जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन ना जब वो फ्री कंडीशन में बाहर थे तो उस टाइम पे उनका मास ज्यादा था और अंदर आने पे मास कम हो गया तो ऐसा क्यों हुआ ना तो जब वो यहां अंदर आते हैं तो ये यह यहाँ पे अंदर आके बंद जाते हैं ना स्टेबिलिटी आ रही है यहां पर तो वो उसका रीजन क्या दिया जाता है कि जो भी ये जब अंदर आते तो कुछ मास का डिफेक्ट होता है और वो मास जो होगी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो उतनी एनर्जी की कमी हो गई अब अगर ये वापस से ये फ्री प्रोटॉन और फ्री न्यूट्रॉन बनना चाह रहे हैं तो जितनी एनर्जी यहाँ रिलीज हुई है उतनी वापस से जो हम इनको मिलेगी तभी वो फ्री प्रोटॉन और फ्री न्यूट्रॉन बन पाएंगे समझो ना जब न्यूक्लियस बनता है तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है अब वो एनर्जी की कमी की वजह से वहीं पर मधे रहेंगे ना जब तक वापस उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो फ्री प्रोटॉन और फ्री न्यूट्रॉन नहीं बन पाएंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी वही एनर्जी है जितनी एनर्जी इनको देने के बाद ये फ्री प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे उस एनर्जी को ही हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते ना तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं बाइंडिंग एनर्जी शॉर्ट में बी डॉट ई लिख रहे हैं इज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय न्यूक्लियस टू फ्री ऑल दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन या फिर इसको हम और ये सब फ्री करने के बाद सबको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेज देंगे ना या फिर इसका उल्टा जब ये सारे फ्री प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस बनाया तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ना उल्टा है, या तो इतनी एनर्जी दे दो तो फ्री प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन जाएंगे या उल्टा जब ये न्यूक्लियस में आ रहे हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है ना तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज During formation of nucleus from free proton and neutron. एक मिनट रुकना ठीक है तो अब देखो ये एनर्जी रिलीज कितनी होगी जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा ना मास कम हो जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आएगी वो बराबर होगा अगर डेल्टा एम वहां पे मास डिफेक्ट है तो डेल्टा एम जब इनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी निकलती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर ना एम सी स्क्वायर से हम निकालेंगे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी क्या है नोट करो यहां तक यहाँ पे डेल्टा एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मास डिफेक्ट और सी स्पीड ऑफ लाइट है नोट होने के बाद बोल देना अब देखो यहां पर बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं वन एएमयू को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी होगी वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 1 amu हमें पता है कितना मास है 1.66 into ten के पावर माइनस 27 kg तो अगर हम 1 amu से एनर्जी देखें तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी 1.66 into ten के पावर माइनस 27 m into c square three into ten के पावर eight ना सब ऐसा आई यूनिट में रख रहे हैं तो ये जूल में एनर्जी आएगी ना अब अगर हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना होगा तो हम इसको .6 into 10 19 से कर देंगे ना तो अब ये एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ एक ए एमयू के वजह से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी आती है वो हम लोग निकाल लेते हैं नहा पे सब कुछ ए एमयू में होगा तो डायरेक्ट वन एम यू का हम याद रखेंगे तो जितने भी ए एमयू का मास इफेक्ट है डायरेक्ट ऐसे उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू करीब आती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एमयू की वजह से इतनी एनर्जी रिलीज होती है अब आपको कहीं पे भी बोला गया कि पॉइंट फाइव ए एमयू का लॉस हुआ है तो आप सीधे एनर्जी बता सकते हो ना कितनी हो रही होगी तो आगे से हम क्या करेंगे बाइंडिंग एनर्जी बराबर करेंगे डेल्टा एम इंटू नाइन थ्री वन पॉइंट फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डेल्टा ए डेल्टा एम को किसमें रखेंगे ए एम यू में कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए इसलिए किया ऐसे ठीक है तो कोई भी न्यूक्लियस का अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना होगा तो हम वहाँ पे मास डिफेक्ट निकालेंगे और फिर ऐसे ये कर लेंगे अब इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं तो ये प्रॉब्लम मॉड्यूल से ही करते हैं इसमें इस सब वैल्यू दी होगी वो यूज करनी पड़ती है एक मिनट जैसे इस पे अब हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी टू पेज नंबर इलेवन पॉइंट वन एट पे देखो इसमें बोला गया है कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है गिवन क्या क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवेन हैवन एट टू फाइव ए एम यू का यूनिट सिंबल क्या रहता है यू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज वन पॉइंट ज़ीरो जीरो एट सिक्स सिक्स फाइव यू और मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस और क्वेश्चन में आपको देखो लिखा भी है कि वन इक्विवेलेंट टू लेना है मतलब वन एएमयू की वजह से कितनी एनर्जी रिलीज करानी है नाइन थ्री वन पॉइंट फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख भी दिया है क्वेश्चन में ठीक है सभी को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ अल्फा पार्टिकल क्या होता है सबको पता है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ हिलियम होता है ना न्यूक्लियस ऑफ हिलियम मतलब हिलियम में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा हीलियम बचेगा प्लस प्लस ना दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हट गया ना तो उसके ऊपर दो प्लस में चार्ज बोलेंगे ना यही हमारा अल्फा पार्टिकल है देखो सॉल्व सब कर लोगे मैं उसके लिए टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ करना क्या है सबको यहाँ पे पता है ना हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मास डिफेक्ट निकालेंगे मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे मास एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल मास एक्सपेक्टेड मास कैसे निकालते हैं जेड प्रोटॉन का मास प्लस ए माइनस जेड न्यूट्रॉन का मास माइनस वहां से एक्चुअल न्यूक्लियस का मास तो अब देखो यहाँ प्रॉब्लम में दे दिया एक्चुअल न्यूक्लियस का मास दिया है क्वेश्चन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास दिया है तो हम वो यूज कर लेंगे अगर ऐसा नहीं होता तो कई बार यहाँ पे क्या होता है यहाँ हाइड्रोजन का मास देते हैं और यहाँ पे एटम का मास देते हैं न्यूक्लियस का ना दे करके एटम तो वो भी यूज कर सकते थे कल बताया था वो यहाँ न्यूक्लियस की जगह अगर एटम का मास दिए तो इधर प्रोटॉन की जगह फिर हाइड्रोजन का मास दिया जाएगा समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं कुछ तो हां ना बोल दो भाई तो अब यहां पे सबकी वैल्यू डाल दो ना हीलियम में कितने होंगे दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन मतलब हीलियम के सॉरी एल्फा पार्टिकल के लिए ए कितना बोलोगे दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन मतलब फोर और प्रोटॉन का नंबर कितना है टू तो यहाँ पे दो प्रोटॉन का मास ले लेंगे और ए माइनस जेड मतलब दो न्यूट्रॉन का मास ले लेंगे और उसमें से एक्चुअल न्यूक्लियस का मास कर देंगे तो अब ये वैल्यू डाल देना कैलकुलेशन कर लोगे ना तो ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मास डिफेक्ट आ जा रहा है पॉइंट जीरो थ्री जीरो वन एट एम यू इतना मास डिफेक्ट आया तो हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज कितनी हुई होगी न्यूक्लियस फॉर्मेशन में ना ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना तो ये सॉल्व करके हो जा रहा है ट्वेंटी एट पॉइंट वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना तो ऐसे हम कहीं पे भी कोई भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं नोट कर लो यहाँ तक अरे क्या बात है ये क्या ऐसे हो गया स्लोक अभी आठ ही बजे हैं सुबह के आठ बज रहे हैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया लोग भी सोचा है अब तो लास्ट के क्लासेस चल रहे हैं कर ही लेते हैं फाइनल इमेज तो अच्छी हो जाएगी नहीं नहीं फेक नहीं होगा यार अब देखो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस देखो तो ये जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होती है ये दो चीजों से डिसाइड होती है एक तो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और दूसरा होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर का रेशियो ना न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस रेशियो में है ना इन दो चीजों से डिसाइड होती है तो पहला हम लोग देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अभी हम ये मान रहे हैं कि एन बाई पी रेशियो जो है ये हम देखेंगे कि ये रेशियो जो है वन से वन पॉइंट सिक्स के बीच में रहता है तो स्टेबल रहता है न्यूक्लियस तो अभी हम मान रहे हैं कि ये इस रेशियो में है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे फोकस कर रहे हैं तो देखो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे कैसे डिपेंड करती है अगर हमारे पास दो न्यूक्लियस हैं कुछ ए और बी ए की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सॉरी बाइंडिंग एनर्जी मान लो कुछ सौ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और बी की बाइंडिंग एनर्जी कुछ दस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या इसका भी मान लेते हैं सौ ही है। लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है इसमें अगर हम नंबर ऑफ एक काम करते हैं इसको एक्स और वाई लिखते हैं एक्स और वाई अब एक अगर मास नंबर हम लोग मान लो पचास ले लें और वाई का मास नंबर कुछ मान लो फाइव है तो ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पर होगी एक में पचास न्यूक्लियॉन को बांधने के लिए सौ एनर्जी निकली है और एक में केवल पांच न्यूक्लियॉन को बांधने के लिए सौ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली है तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा किसमें स्ट्रांगली बंधे होंगे वो हो? एक्स में या वाई में एक्स में देख लो पचास न्यूक्लियन को बांधने के लिए सौ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली है तो पर न्यूक्लियॉन बांधने के लिए कितनी एनर्जी निकल रही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखोगे तो यहाँ पे दो है और वाई में अगर आप देखोगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो कितनी सौ बाई फाइव ट्वेंटी तो इससे एक न्यूक्लियॉन को निकालना इजी है या इससे एक न्यूक्लियॉन को निकालना इजी है है कि वाई से निकालना डिफिकल्ट है और एक्स से निकालना है, ना तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन होगा यहाँ पे वाई वाला ज्यादा स्टेबल होगा एक्स वाला ना तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सोचें तो वाई का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है देन एक्स ना स्टेबिलिटी देख रहे हैं यहाँ पर तो जो स्टेबिलिटी होगी न्यूक्लियस की वो केवल इस बात से डिसाइड नहीं होगी कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है किसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है वो किस बात से डिसाइड होगी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी ज्यादा है ना क्योंकि कम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है तो वो स्ट्रांगली अटैच हो जाएंगे फिर तो इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि स्टेबिलिटी Of nucleus depends on binding energy per nucleon. बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड नहीं कर रही होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर डिपेंड कर रही होगी नोट करो यहां तक कैपिटल यहां पे मास नंबर लिखा था मैंने ना तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन वही ए के बराबर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली मंडे को अपना ये खत्म हो जाएगा ना मॉडर्न फिजिक्स आज देखते हैं आज कितना हो जाता है आज अगर हम लोग रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी तक पहुंच गए तो मंडे को ख़त्म हो जाएगा अब देखो अगर यहां पर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मास नंबर के साथ ग्राफ ड्रॉ करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मास नंबर के साथ ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये जो ग्राफ आता है ये कुछ ऐसा आता है शुरू में वो स्लोली बढ़ता है फिर एक पीक पे जाता है फिर धीमे धीमे कम होने लगता है ना इधर थोड़ा तेजी से बढ़ता है बाद में स्लोली कम होता है और ये जो पीक आता है ये आयरन के लिए आता है आयरन 56 सिक्स ए की वैल्यू जो 56 होगी मतलब ये आयरन है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है आयरन के लिए ये आती है 8.8 पॉइंट एट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब सबसे स्टेबल जो न्यूक्लियस होता है वो किसका माना जाता है आयरन का होता है ध्यान रखो मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं ना एटम की नहीं रिएक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ कि ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेगा या नहीं वो बात नहीं हो रही है ना न्यूक्लियस किसका स्टेबल है न्यूक्लियस आयरन का स्टेबल है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती जा रही है ना? ये देखा जाता है कि जब ये ए की वैल्यू करीब 210 के आगे चला जाता है ना? अगर ए की वैल्यू 210 के हम आगे चले जाएं तो ये न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जब ज्यादा कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा तो जब वो अनस्टेबल हो जाएगा तो वो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल बाहर निकालता है सो देट so कि उसका मास थोड़ा कम हो ए कम हो ए कम होगा हो तो वो पीछे आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ठीक है समझो जब ए की वैल्यू क्रॉस हो जाती है टू तो वहां पर क्या होता है न्यूक्लियस अपने को अपना मास कम करना चाहता है ना क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी कम हो गई है स्टेबिलिटी कम हो चुकी है तो वहां पर वो अल्फा पार्टिकल निकालता है जिसको हम बोलेंगे कि अल्फा डीके हो रहा है ना, रेडियो एक्टिव हो गया है वो साथ में देखो एक तो ज्यादा ए जब हो गया तो अल्फा डीके शुरू हो जाता है साथ में यहां पे हम देख रहे हैं

समझो ना और अगर हम एक बड़े न्यूक्लिया को ब्रेक कर दें मॉडरेट में तो उससे भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होगी तो हम एनर्जी गेन करने के लिए न्यूक्लियर लेवल पे ऐसे रिएक्शन कर कराते हैं। तो हमें इसमें दो चीजें पढ़नी है एक तो रेडियो एक्टिविटी और दूसरा न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्शन हम दो टाइप से करा सकते हैं एक बड़े न्यूक्लियस को ब्रेक करके छोटे न्यूक्लियस बना दें तो इसमें हमें कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी या फिर छोटे न्यूक्लियस को कंबाइन करके एक मॉडरेट लेवल का बना दे ना ये वाले छोटे वाले तो उसमें भी एनर्जी रिलीज हो जाएगी ना तो हम एनर्जी कैसे गेन कर सकते हैं न्यूक्लियस का यूज करके वो पढ़ना है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन जब एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फिजन रिएक्शन हो रहा है और जब एक दो छोटे न्यूक्लियस या दो से ज्यादा दो ही होते हैं मोस्टली तो दो एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे मॉडरेट तो वहां पे बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो एक तो हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे और दूसरा ये डीके के बारे में देखेंगे जब अनस्टेबल हो जाते हैं न्यूक्लियस तो क्या होता है समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ नोट कर लो यहाँ तक ये यह जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो खुद से नहीं आ, करेंगे ना हमें कराना पड़ता है ना हैवी को तोड़ना पड़ता है छोटे में या छोटे वालों को कंबाइन करके मॉडरेट बनाने के उसके लिए हमें रिएक्शन कराना पड़ता है उसकी कंडीशन वहां बनानी पड़ती है जैसे ये जो होता है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे हो पाता है तो ये सब हम पढ़ेंगे ना डीके खुद से होता है ना जब वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है तो खुद से अंदर से पार्टिकल निकालता है तो हम लोग यहाँ पे एक डीके पढ़ेंगे और दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन मेनली डीके के बारे में ही पढ़ना है न्यूक्लियर रिएक्शन ब्रीफली एकदम देखना है तो देखो हमने हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस देख रहे थे तो हमने देखा कि जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी एक तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है उस पर डिपेंड करते हैं ना एक तो इस इसपे डिपेंड कर रहा है और दूसरा वहां पे एन बाईपी का रेशियो कितना है सेकेंड फैक्टर हम लोग देख रहे हैं एन बाईपी रेशियो ये देखा जाता है कि जो भी स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उनका एन बाई पी रेशियो वन से वन पॉइंट सिक्स के बीच में रहता है अगर हम एन और पी का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है ऐसा कुछ रहता है ना ये वाली जो लाइन होगी ये एन बाई पी इक्वल टू वन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एन बाई पी कुछ इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स तो ज्यादातर न्यूक्लियस जो होते हैं इसके बीच में आते हैं एक ऐसा बेल्ट सा बनता है ना ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए रेशियो कुछ ऐसा आ रहा होगा तो जो भी इस बेल्ट वाले रीजन में आएगा ना वो न्यूक्लियस मोस्टली स्टेबल होता है तो ये जो रेशियो आता है ये मोस्टली क्या आता है लाइट न्यूक्लियस के लिए तो एन बाईपी वन के करीब आता है और हैवी के लिए ये एन बाईपी वन पॉइंट सिक्स के करीब टेन करने लगता है एन बाईपी हैवी के लिए वन नहीं आएगा ना वो वन यहाँ लाइट के लिए रहता है बाद में जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे ये ग्राफ ऐसे उधर को शिफ्ट होने लगता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि एक बेल्ट बन रहा है उस बेल्ट वाले रीजन में जो आएंगे वो स्टेबल है ठीक है समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इसको मैं थोड़ा और अच्छे से ग्राफ दिखाता हूँ ज्यादा हैवी वालों के लिए ग्राफ इधर चला जाता है न्यूक्लियस ना तो अब देखो यहाँ पे एन बाई पी रेशियो में अगर हम इस जगह पर हैं इस जगह पे हैं तो क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है ज्यादा है प्रोटॉन से मतलब एन बाई पी रेशियो ग्रेटर देन 1.6 होगा ना इस साइड में अगर हम आ गए तो वो 1.6 से ज्यादा वाला रेंज चला जाएगा न्यूट्रॉन ज्यादा एक्सेस में प्रोटॉन से ना देखो हमें पता है कि अंदर न्यूक्लियस में एट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं और रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं उनका एक बैलेंस होना चाहिए ना ज्यादा एट्रैक्टिव हो गए तो भी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा या ज्यादा रिपल्सिव फोर्स हो गया तो भी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा ज्यादा न्यूट्रॉन बढ़ना मतलब रिपल्सन कम हो रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन ही रिपेल कर सकते हैं केवल अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगेगा ना या फिर एन बाई पी रेशियो लेस देन वन है तो प्रोटॉन एक्सेस में आ रहा है प्रोटॉन एक्सेस में आ रहा है तो वहां पर रिपल्सन बढ़ रहा है तो भी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है ठीक है समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तो अगर एन बाई पी रेशियो 1.6 से ज्यादा है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए न्यूट्रॉन कम हो जाए और प्रोटॉन बढ़ जाए तब ना स्टेबल हो हो पाएगा N कम होगा P बढ़ेगा तो रेशियो बैलेंस हो जाएगा ना न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ाना है कम करना है और प्रोटॉन का बढ़ाना है जहां पे भी एन बाई पी रेशियो वन से ज्यादा होता है तो इसको करने के लिए न्यूक्लियस क्या करता है अपने अंदर से एक पार्टिकल निकालता है जैसे न्यूट्रॉन का मास नंबर तो वन है और उस पर कोई चार्ज नहीं है तो वो क्या करता है अपने को एक प्रोटॉन बना लेता है और इस प्रोसेस में वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है उसका कोई मास नहीं लेंगे चार्ज माइनस वन लेंगे और वहां पे एक और पार्टिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रीनो अभी ये बस लिख लो आगे ये समझाता हूं ना एंटी एंटीन्यूट्रीनो वगैरह ना और इस प्रोसेस में थोड़ी एनर्जी भी निकलती है एनर्जी को यहाँ पे हम लोग क्यूल से लिख देते हैं क्यू मतलब एनर्जी है वहां तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है ये इलेक्ट्रॉन है ना इसको हम बोलते हैं बीटा माइनस ना यहां पे हम बोलते हैं बीटा डीके होने लगता है बीटा माइनस ना रेडियो एक्टिविटी शो करने लग जाता है जब न्यूक्लियस में एन बाईपी रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं और अगर एन बाई पी रेशियो वन से कम हो गया ना वन से कम हो गया तो भी वहां पर न्यूट्रॉन का नंबर हमें बढ़ाना है और प्रोटॉन का कम करना है तब स्टेबिलिटी आ पाएगी ना स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है यहां पर नहीं, ये होगा तब स्टेबिलिटी आएगी ये कब हो पाएगा जब एक प्रोटॉन अंदर से डिके हो जाए प्रोटॉन का चार्ज भी वन है मास भी वन है नीचे चार्ज लिखा है ऊपर मास लिखा है तो वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए और अंदर से एक पार्टिकल निकले जिसका मास नेग्लिजिबल है तो जीरो लिखा है और चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है एक न्यूट्रिनो पार्टिकल है ये और कुछ एनर्जी ले ली जो रही है तो यहाँ पे क्या होता है इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के टाइप का ही पार्टिकल है सेम मास है बस चार्ज अपोजिट है और इसको बोलते हैं बीटा प्लस डीके पॉजिट्रॉन निकलने को बोलते हैं बीटा प्लस डीके हो रहा है ना ये हमारा न्यूट्रिनो है ना ये सब के बारे में अभी आगे बताता हूँ अभी बस थोड़ा ब्रीफली लिख लो हल्का सा बस अभी आईडिया देना है क्यू यहां पे एनर्जी रिलीज्ड तो जब ये ऐसे अंदर से पार्टिकल निकलते हैं तो हम बोलते हैं वो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है ना रेडियो एक्टिविटी हो रही है यहां पर नोट करो यहां तक ये क्या लिख दिया इधर ये रेशियो लिखा है ना you <laughs> क्या बोल लो अनम्यूट करके बोलो भाई तेजस ठीक तो है यहां तक सबको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन को कम करोगे प्रोटॉन बढ़ाओगे तब न्यूक्लियस स्टेबल होगा ना तो वो कैसे होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है भाई जो डाउट है वो पूछो ना ये कोई बात थोड़ी पूरा एक बार फिर से बोल दो ना न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो वहां पे स्टेबिलिटी आएगी ना क्योंकि रेशियो जो है न्यूट्रॉन एक्सेस में अट्रैक्टिव फोर्स एक्सेस में रिपल्सिव फोर्स कम है आपको ये पता है ना न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से रिपेल भी कर रहे हैं ना तो प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपलसन हो रहा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ना तो उसको बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन लगता है ना न्यूट्रॉन केवल अट्रैक्ट करेगा रिपल्सन नहीं होगा तो फिर फोर्सेस बैलेंस रहेंगे अंदर अगर हमारा न्यूट्रॉन बढ़ गया है तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया रिपल्सिव फोर्स कम हो गया तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा तो न्यू अनस्टेबल कैसे एक्चुअल hmm. में देखो जो हम लोगों को क्या है हम लोग इससे सोचते हैं ना कि जैसे एक टेबल पे एक ब्लॉक रख दिया और इसको दबा रहे हैं तो ज्यादा फोर्स से अगर दबा रहे हैं तो ज्यादा स्टेबल है लेकिन यहाँ पर बैलेंस कैसे हो पाता है यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स आने लग जाता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का रिपल्सन इसको बैलेंस कर लेता है लेकिन अब जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है इनके बीच में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा ना अब ये अगर एक दूसरे को प्रेस करते जा रहे हैं तो वो बैलेंस किससे होगा वो वाली बात आ रही है ना क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है अब यहाँ सरफेस पे कौन सा फोर्स लगेगा तो अब वो न्यूक्लियस के अंदर देखो हमें अब ज्यादा क्लियर कट नहीं पता है बहुत सारी चीजें कि अंदर क्या क्या हो रहा है तो हम बस ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि एन बाई पी रेशियो मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन एक सब कुछ एक बैलेंस चलना चाहिए ना कोई भी ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन होता तो अपना काम हो जाता बट वो नहीं है तो इसलिए मतलब ऐसे लेके चलते हम लोग तो तो यहां पे देखो क्या होता है फिर उसके वजह से न्यूट्रॉन जो होगा प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और प्रोटॉन में कब कन्वर्ट होगा चार्ज बैलेंस करना है न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो था तो अगर प्रोटॉन पे प्लस चार्ज आया तो एक माइनस चार्ज आना चाहिए तब नोट चार्ज मिला के जीरो रहेगा मास वन था तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास वन है इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेग्लिजिबल होता है उसको जीरो बोलेंगे तो ये बैलेंस है ना ये जो न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल है ये एनर्जी का पैकेट होता है ना इसके बारे में आगे समझाता हूँ ना इसमें कोई चार्ज और मास नहीं लेना है ना और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है तो इस डीके को हम लोग बोलते हैं ये कुछ बीटा डीके हुआ है ना ये डीके मैं अभी आगे फिर से समझाऊंगा ना अभी मेरे को बस इतना समझाना था एन बाई पी रेशियो डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा ना ये डीके मैं अभी रेडियो एक्टिविटी में समझा दूंगा अभी बस आप नोट कर लो कि डीके होता है इतना समझ लेना है कि एन बाई पी रेशियो अगर 1.6 से ज्यादा है तो कौन सा डीके होगा बीटा माइनस कम होगा तो कौन सा होगा बीटा प्लस ना ये अभी आगे फिर एक बार समझा दूंगा ये सब चीजें यहाँ पे अभी ये नहीं समझाना ये रेडियो एक्टिविटी में समझाऊंगा ना यहाँ पे देखो हम प्रोटॉन के कम टर्म में कंपेयर कर रहे हैं ना ये वन एएमू एक तरह से लिखा है ये वन एएमयू है तो एएमयू में ये लिखोगे तो ये पॉइंट जीरो 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 कुछ करके बहुत बाद में आएगा तो उसको करीब जीरो ए एमयू ही लिख दिया है तो देखो और एक चीज यहाँ पे और हम लोग समझ लेते हैं देखो जैसे न्यूक्लियस का साइज जब बड़ा होता है तो वो क्यों अनस्टेबल होने लग जाता है न्यूक्लियस का अगर साइज बड़ा होगा देखो जैसे न्यूक्लियस जब छोटा था तो उसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी कम है ना जब न्यूक्लियस छोटा है तो बीच की डिस्टेंस कम है तो वहां पे जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा ना वो आराम से इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर ले रहा होगा ना वो स्ट्रांग होगा नहीं कम मिलता है ना भाई तभी तो डिके होता है होना चाहिए वन से वन पॉइंट सिक्स के बीच में स्टेबल के लिए उससे कम हुआ तो अनस्टेबल होगा मिलता है भाई आदित्य ना समझो ये अगर न्यूक्लियस का साइज स्मॉल है तो वहां पे दो न्यूक्लियन के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो न्यूक्लियर फोर्स हमें पता है कम डिस्टेंस पे ही स्ट्रॉन्गली लग पाते है ना अगर आपने न्यूक्लियस का साइज बड़ा कर दिया ना अगर ये न्यूक्लियस का साइज लार्ज हो गया तो अब दो न्यूक्लियन के बीच का गैप बढ़ जाएगा अब ये गैप बढ़ेगा तो इनके बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो तेजी से गिरता है न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है डिस्टेंस बढ़ने पर वो तेजी से नीचे चला जाता है लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी जल्दी नीचे नहीं जाता ना इलेक्ट्रिक फोर्स धीमे धीमे ही कम होता है तो इलेक्ट्रिक रिपल्सन इनके बीच में अब भी बहुत स्ट्रांग है अगर मान लो ये दो प्रोटॉन है लेकिन इनके बीच का न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम हो गया है नहीं ये इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग है न्यूक्लियर फोर्स कम हो गया तो अब ये स्टेबल नहीं रह पाएगा ना इसीलिए जो लार्ज न्यूक्लियाई होते हैं उनके बीच में न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है न्यूट्रॉन वाला फोर्स सॉरी न्यूक्लियर फोर्स वो कम होने लग जाता है बट इलेक्ट्रिक फोर्स अब भी बहुत लार्ज होता है तो वहां पे फिर स्टेबिलिटी नहीं हो सकती स्मॉल साइज में ही न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपरली लग पाएगा तो वही स्मॉल साइज मॉडरेट साइज वाले न्यूक्लियस ही स्टेबल हो पाते हैं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं अब इलेक्ट्रिक ज्यादा होने लग जाता है न्यूक्लियर से ये पॉइंट नोट कर लो फिर देखो जो हमने एन बाई पी रेशियो देखा है वो किसी के लिए भी हो सकता है ना जरूरी नहीं होता कि ए की वैल्यू लार्ज या कम होगी तभी एन बाई पी रेशियो डिस्टर्ब होगा ना बहुत सारे न्यूक्लियाई के आइसोटोप्स होते हैं जिनमें एन बाई पी रेशियो डिस्टर्ब रहता है तो वो ए उनका कम होता है उसके बाद भी वो अनस्टेबल हो जाते हैं और रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं ना तो जो अनस्टेबिलिटी के लिए क्या क्या रीजन है एक तो मास नंबर बहुत बढ़ जाए या फिर एन बाई पी रेशियो डिस्टर्ब हो जाए तो हमने देखो अब ये समझ लिया कि कोई भी न्यूक्लियस होगा वो किस किस वजह से डिस्टर्ब हो सकता है एक तो उसका ए ज्यादा हो जाए या फिर उसका एन बाई पी रेशियो रेंज में ना हो ना? या तो वन से कम हो जाए या फिर रेंज 1.6 से ज्यादा हो जाए तो वो अनस्टेबल हो जाएगा अगर वो उसका एज ज्यादा हो गया है तो वहां पर वो एक अंदर से अल्फा पार्टिकल निकाल करके अपने को स्टेबल बनाना चाहता है और अगर n/p रेशियो कम है वन से तो वहां पर बीटा प्लस डीके होना शुरू हो जाता है और अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो वहां बीटा माइनस डीके होने लग जाता है ना ये इसको हम बोलते हैं बीटा डीके हो रहा है बीटा प्लस हो या बीटा माइनस उसको बीटा डीके बोलते हैं ना तो ऐसे न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होते हैं तो अपने को स्टेबल बनाने के लिए अपने अंदर से कुछ पार्टिकल निकालते हैं तो अब हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या होता है पार्टिकल्स निकलते हैं तो ये पार्टिकल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कैसे डीके होता है वो पढ़ेंगे फिर नंबर वगैरह देखेंगे कि किसी टाइम पे कितने न्यूक्लिया डीके हो जाएंगे तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी क्या होती है स्पॉन्टेनियस नहीं नहीं भाई अल्फा डिके का पर्पज क्या है अंदर से मास कम करना ना रेशियो बैलेंस करने के लिए अल्फा डीके नहीं होता रेशियो बैलेंस करने के लिए बीटा डीके होता है स्पॉन्टेनियस डिके देखो जो बीटा में क्या होता है बीटा में कोई मास नहीं होता ना तो ये मास कम करने के लिए डिके नहीं है ये रेशियो मेंटेन करने के लिए होता है और अल्फा में मास होता है जब मास ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए अल्फा डिके स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियो क्टिविटी एंड जो न्यूक्लियस ये शो कर रहा है उसको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बोलेंगे एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस तो अब कोई भी जो न्यूक्लियस होगा वो तीन टाइप से डिके कर सकता है तीन टाइप नहीं दो टाइप से डीके कर सकता है एक तो अल्फा डीके दूसरा बीटा डीके बीटा में दो टाइप होंगे बीटा बीटा माइनस और बीटा प्लस और साथ में में जब भी भी अल्फा डीके डीके होगा होगा या बीटा हो। बाद वहां पर प्लस गामा डीके होता है तो ये हम आगे समझते हैं कि कैसे बाद में होता है ना तो अल्फा डीके हो या बीटा डीके हो अल्फा होने के बाद हो। गामा डीके होगा बीटा डीके हो फिर गामा डीके होगा दोनों हमेशा पेयर में चलते हैं ना अल्फा प्लस गामा या फिर बीटा प्लस गामा गामा तो रहेगा ही वहां पर अब क्यों रहता है वो आगे समझाता हूं ना तो अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल निकलता है तो वो क्या होता है बीटा पार्टिकल क्या होता है गामा पार्टिकल क्या होता है फिर इनके एक एक करके हम डीके देखेंगे किस डीके में क्या होता है तो अब हम लोग ये नोट करो यहाँ तक तो पहले हम ये पार्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है अभी हमने पीछे देखा था हीलियम का न्यूक्लियस ना हीलियम का न्यूक्लियस मतलब उसमें क्या होगा दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होंगे तो एच ई प्लस प्लस करके हम उसको दिखाते हैं ना अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन होंगे तो नीचे ये दो प्रोटॉन दिखा रहे हैं ना और ये उसका मास नंबर है मतलब दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन ऐसे अल्फा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो मास होगा वो करीब फोर ए के करीब हो रहा होगा और इसका जो चार्ज होगा वो करीब प्लस टू के बराबर होगा ई मतलब वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस नाइनटीन तो ये ये निकलेगा तो अंदर से मास बाहर आएगा ना ना, जहां पे भी मास कम करना होता है वहां पे अल्फा डी के होता है फिर दूसरा हमारा आता है बीटा पार्टिकल तो बीटा पार्टिकल जो होंगे इनको हम दो टाइप में देखते हैं एक होता है बीटा माइनस पार्टिकल अभी हम बस ये पार्टिकल क्या होते हैं वो देख रहे हैं ना अभी डीके आगे देखेंगे ना डीके वाला रिएक्शन बीटा माइनस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही उस पे चार्ज लेंगे जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का वही उसका मास होगा और बीटा प्लस पार्टिकल एक होता है बीटा प्लस पार्टिकल को हम लोग ये इलेक्ट्रॉन टाइप ही होता है बस उस पे चार्ज अपोजिट होता है मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है उसको ई e प्लस से दिखाते हैं मास ऑफ पॉजिट्रॉन जो होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और चार्ज जो होगा वो प्लस ही होगा ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं इनको बोलते हैं ये एक दोनों के एंटी पार्टिकल है एंटी पार्टिकल क्या होता है पहले ये लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल एंटी पार्टिकल नाम से समझ आ रहा है ना एंटी मतलब दोनों एक दूसरे का काम तमाम कर सकते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आके टकरा जाए तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे ना और एनर्जी के पैकेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जब ये आएंगे तो दो फोटोन बनेंगे और वो चले जाएंगे मोमेंटम कंजर्व रखते हुए मास लॉस होगा तो एनर्जी बनेगी ना इनमें कुछ कुछ एनर्जी मास है तो वो खत्म होगा तो वहां एनर्जी बन जाएगी ना तो अगर दो इलेक्ट्रॉन आए हैं ऐसे एक इलेक्ट्रॉन एक पॉइट्रॉन तो वहां पर ऐसे दो फोटोन बनेंगे एक फोटोन बनेगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा ना तो एंटी पार्टिकल क्या होते हैं एंटी पार्टिकल्स जब आपस में टकराएंगे तो वो एक दूसरे को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे और एनर्जी के पैकेट में कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है इसमें ज्यादा कुछ हमें नहीं देखना है बस यही पूछा जा सकता है से कि एंटी पार्टिकल क्या होते हैं तो ऐसे पार्टिकल जो एक दूसरे से टकराने पर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दें और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए उनको ही हम लोग एंटी पार्टिकल बोलते हैं इसका एक और एग्जाम्पल होता है न्यूट्रीनो और एंटी न्यूट्रीनो न्यूट्रीनो न्यूट्रिनो की स्पेलिंग देखो सही लिखी है ना न्यूट्रिनो देखो क्या होते हैं इनर्जी के पैकेट्स होते हैं ना न्यूट्रिनो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है जिसका रेस्ट मास जीरो होता है फोटोन है ना रेस्ट मास जीरो चार्ज भी जीरो होता है और इसकी जो एनर्जी होती है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में रहती है ये ध्यान रखना ना ये एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहती है नोट करो यहां तक हाँ वो फोटोन ही है केवल फोटोन है बस यही समझना है आपको न्यूट्रिनो मतलब एक फोटोन कम एनर्जी का फोटोन ना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है ना कम एनर्जी का फोटोन है एक्सरे टाइप ना एक्सरे में भी इसी रेंज की रहती है अरे नहीं भाई मास निगेटिव तो होता ही नहीं है कुछ भी बातें कर रहे हो तुम लोग लॉजिक भी दिया था इनके सर में नहीं ना बेटा अभी तक एंटी नेगेटिव मास मिला है क्या कहीं देखो ये इनके ये जो न्यूट्रीनो पार्टिकल होते हैं इनका एंगुलर मोमेंटम होता है सर वो वोटी तो में या माइनस हाफ से दिखाते तो न्यूट्रीनो वाले को कुछ प्लस हाफ से दिखाएंगे एंटी न्यूट्रिनो वालों को माइनस आपसे तो एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो में बस ये एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस होगा कहां क्या बोल रहे थे उनके लेबोरेटरी में बोला था सर ने पता नहीं यार सर कुछ ज्यादा ही कुछ भी पढ़ा रखा है यार इसमें तो ये देखो जो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना नॉर्मली इसी का डिफरेंस रहता है एक का कोई का प्लस होगा दूसरे का माइनस ऐसे चलता है ये कोई ऐसा फिक्स नहीं करते है. ये ध्यान रखो भाई पॉजिट्रॉन का मास प्लस में ही होता है ना तुम लोग कुछ भी बातें कर लेते हो एक तो तुम लोग ने सर से कुछ भी पूछा होगा सर भी कुछ भी बोलते गए होंगे ऐसे तो फिर नेक्स्ट है एंटी न्यूट्रीनो एंटी न्यूट्रीनो जो होता है ये भी एनर्जी का पैकेट है जो उन्होंने भी मास निगेटिव लिखा है वो पॉइंटॉन का मास प्लस में लिखे भाई ऐसा नहीं होता है एंटी न्यूट्रिनो में रेस्ट मास वैसे ही बोलेंगे ये भी फोटोन है तो रेस्ट मास जीरो चार्ज जीरो एनर्जी नहीं नहीं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनमें ये चीज नहीं लगती कि प्रोटॉन इज लाइटर देन न्यूट्रॉन ना ये बाहर के लिए ये चीज वैलिड है अंदर आने पे मास डिफेक्ट के बाद कोई भी हैवी कोई भी लाइटर हो सकता है ना जो हमने देखा हुआ है कि प्रोटॉन इज लाइटर देन न्यूट्रॉन ये केवल न्यूक्लियस के बाहर के लिए वैलिड है न्यूक्लियस के अंदर के लिए नहीं एनर्जी जो होगी इसकी ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होती है और एंगुलर मोमेंटम कुछ प्लस ये देखो जितने भी अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर जो भी होते हैं सबका कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है ना उसको हम लोग प्लस हाफ या माइनस हाफ से दिखाते हैं ये जो हम अभी आगे देखेंगे न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो निकालने का पर्पज बस यही होता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे ना ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है हाँ सब कुछ सेम होता है बस एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस होगा बाकी सब सेम होगा किसी टाइम वो अभी एंटीनो एंटी न्यूट्रिनो में डिफरेंस अभी आगे समझाता हूँ ना कब कौन सा निकलता है वो समझाता हूँ एंगुलर मोमेंटम का ही डिफरेंस है हाँ मतलब कोई एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस में ये बोल रहा हूँ ना और ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं ये जब एक दूसरे को टकराएंगे तो वहां पर ये एंगुलर मोमेंटम सब कैंसिल हो जाएगा ना बस दो फोटोन बन जाएंगे और वो चले जाएंगे ना जो इनके एंगुलर मोमेंटम है वो सब खत्म हो जाएगा फिर देखो इसके बाद एक तीस कितने पार्टिकल हो गए अल्फा बीटा न्यूट्रिनो न्यूट्रीनो फिर एक लास्ट और पार्टिकल है गामा पार्टिकल गामा पार्टिकल जो होगा वो भी एनर्जी का पैकेट है बस इसमें डिफरेंस क्या है न्यूट्रीनो और गामा में एक तो गामा का कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा और दूसरा ये हाई एनर्जी वाला पैकेट है इसकी जो एनर्जी होगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी रेस्ट मास जीरो चार्ज जीरो और इसकी एनर्जी जो होगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में रहेगी नोट करो इसको देखो तो ये जो गामा रे होती है ये मेनली एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलती है अंदर एनर्जी ज्यादा है मास डिफेक्ट हुआ तो एनर्जी निकल रही है और ये मेनली मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कोलिजन में कंजर्व रहे उस पर्पज से निकलती है इसमें कोई ज्यादा एनर्जी नहीं है ना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है न्यूक्लियर लेवल पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कम एनर्जी है दो पैकेट आएंगे दो ही पैकेट बनेंगे ना क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए ना एक पैकेट बनेगा तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम आ जाएगा ना अगर हमारे दो पार्टिकल आ रहे हैं तो इन दोनों का अभी नेट मोमेंटम जीरो है तो टकराने के बाद भी दो ही बनेंगे तभी मोमेंटम जीरो हो पाएगा ना हाँ जो टकराने के बाद एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाए ये भी फोटोन बन जाएगा ये भी फोटोन जिसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा ना शुरू में इनका एंगुलर मोमेंटम है तो हमने देखो अभी तो ये पार्टिकल के बारे में देख लिया अब ये पार्टिकल के बारे में एक दो पॉइंट हमें और ध्यान रखने कि ये अल्फा, बीटा और गामा ये तीन पार्टिकल हैं। इसमें मास ज्यादा होता है इसमें मास निगलिजिबल ने, है और इसमें मास जीरो है लगभग। ना रेस्ट मास तो जीरो है इसमें ना मास का ऑर्डर क्या है मास सबसे ज्यादा अल्फा का है फिर बीटा का है फिर गामा का है और स्पीड का अगर ऑर्डर देखोगे तो गामा है स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा होगा तो स्पीड गामा का सबसे ज्यादा होगा फिर बीटा का आएगा और फिर अल्फा का आता है ना जब अंदर से स्पीड में ये निकलते हैं तो सबसे फास्ट गामा निकलता है ना फिर बीटा और फिर अल्फा न्यूक्लियस के अंदर से जब ये निकलेंगे तो उनका ये ऑर्डर होगा स्पीड का तो अगर कोई <coughs> सरफ़ेस पे ये तीनों पार्टिकल जाके टकरा रहे हैं तो पेनेट्रेटिंग पावर का ऑर्डर पूछा जाता है कौन सरफ़ेस में ज्यादा अंदर तक जा सकता है ना तो अंदर जाने के लिए आपको क्या चाहिए कम मास और हाई स्पीड ना जैसे बुलेट होता है बुलेट का मास कम है स्पीड ज्यादा तो वो कोई भी सरफेस में ज्यादा अंदर तक जा सकता है पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होगा गामा बीटा और अल्फा फिर एक हमें ऑर्डर पूछा जाता है आइनाइजेशन का ऑर्डर ना ये अगर कोई एटम से जाके टकरा रहा है तो उसमें उसको आयनाइज कर दे इसके लिए क्या ऑर्डर होगा तो आयनाइज करने का ऑर्डर क्या होगा आयनाइज करने में क्या है सामने इलेक्ट्रॉन होगा उसको हटाना है टकरा करके ना तो हटाने का काम कौन करेगा हटाने के लिए कौन चाहिए जिसमें मास ज्यादा होगा वो टकरा के उसको हटा पाएगा ना सामने कोई चीज रख ली है तेज स्पीड से आएंगे तो उस... पेनिट्रेट कर पाएंगे ना अगर रिमूव करना है तो मास ज्यादा चाहिए तो उस हिसाब से फिर ऑर्डर ऑफ आइनाइजेशन जो होगा अल्फा सबसे ज्यादा आइनाइज कर सकता है बीटा फिर गामा ये ऑर्डर लिख लो इनके अब हम लोग रेडियो एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट लॉ और फिर पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल लॉ डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम ये देखते हैं कि अंदर से जब न्यूक्लियस से कोई भी पार्टिकल निकलेगा तो वो अपने पीरियोडिक टेबल में किस जगह डिस्प्लेस हो जाएगा बीटा का यूज अबे बीटा तुम्हारे यूज के लिए थोड़ी निकल रहा है न्यूक्लियस अनस्टेबल है इसलिए निकल रहा है अब कहीं तुम्हें यूज करते बने तो कर लो न्यूक्लियस की दिक्कत है ना वो अनस्टेबल है इसलिए निकाल रहा है बीटा पार्टिकल तो हम देखेंगे कि अगर कोई न्यूक्लियस से कोई अल्फा बीटा निकला तो अब पीरियोडिक टेबल में किधर डिस्प्लेस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट लॉ देखेंगे उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई ये सब यहां पे देखेंगे किसको कितनी एनर्जी मिली वो देखेंगे और फिर नेक्स्ट लॉ देखेंगे स्टेटिस्टिकल लॉ स्टेटिस्टिकल लॉ में स्टैटिक्स मतलब नंबर से देखेंगे कि सौ न्यूक्लियाई हैं तो कितने टाइम बाद कितने डीके हो जाएंगे कितने बचेंगे ये वाला लॉ ना तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ यहाँ पे एक चीज हम लोग नोट कर लेते हैं जो भी डीके प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन Energy released during decay is called. हाँ वो सब अलग चीज है कि कहाँ तुम यूज कर लोगे ना बीटा निकल क्यों रहा है वो मैं बता रहा हूं कि अनस्टेबिलिटी की वजह से निकल रहा है यूज तो आप बहुत सारी जगह इनको कर सकते हो जस्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग नोट करो यहां तक तो अब देखो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटिस्टिक सॉरी डिस्प्लेसमेंट लॉ इसमें सबसे पहले देख रहे हैं डी के यहां पे एक चीज और ध्यान रखना ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है ना जो भी हमें अल्फा पार्टिकल निकला या जो बचा हुआ न्यूक्लियस उनके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी अवेलेबल रहती है ना यहाँ पे ये लिख देता हूं क्यू वैल्यू विल बी अवेलेबल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई क्या होता है जब भी कोई न्यूक्लियस से कुछ डिके होगा तो जो बचेगा उसको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं तो अब हम लोग देखो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं अल्फा डीके अल्फा डीके में देखो क्या होगा सपोज हमारे पास कोई न्यूक्लियस है कोई न्यूक्लियस है जिसका एट एटॉमिक नंबर जेड है मास नंबर ए है और इसने एल्फा डीके किया तो एल्फा डीके करने के बाद ये कुछ वाई में बन गया एल्फा डीके होगा तो दो प्रोटॉन बाहर आ जाएंगे दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन मतलब चार मास बाहर आ जाएगा प्लस कुछ यहां पे एनर्जी रिलीज होगी अब देखो अगर चार मास बाहर आ गया तो इसका मास कितना बचेगा ए माइनस फोर दो चार्ज बाहर आ गया तो इसका जेड कितना बचेगा जेड माइनस टू ठीक है फिर हम अब निकालेंगे ना अब देखो अगर इसका जेड में दो की कमी हो गई है तो पीरियोडिक टेबल में ये दो कॉलम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा ना दो कॉलम लेफ्ट में डिस्प्लेस हो जाएगा ना यही डिस्प्लेसमेंट लॉ है अब यहाँ पे हम निकालते हैं कि एनर्जी रिलीज कितनी हुई तो एनर्जी रिलीज के लिए हम क्या देखेंगे इनिशियल मास कितना था तो और फाइनल मास कितना है ना हमें एनर्जी रिलीज चाहिए तो हम पहले डेल्टा एम निकालेंगे डेल्टा एम कैसे निकालेंगे सम ऑफ ऑल इनिशियल मास माइनस सम ऑफ ऑल फाइनल मास तो हमें डेल्टा एम आ जाएगा फिर ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर देंगे एस आई यूनिट में अगर डालोगे तो वो सी सब कुछ वो के जी और मीटर पर सेकेंड में डालना होगा नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो डेल्टा एम इन टू नाइन थ्री फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके हम क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे तो अगर हमें यहां पे निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे डेल्टा एम की वैल्यू क्या बोलेंगे इनिशियल मास कितना होगा मास ऑफ एटम एक्स एटम का मास एक मिनट मास ऑफ एक्स एटम उसमें से अगर हमने जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो ये उसके न्यूक्लियस का मास हो गया और इसमें इधर का सारा मास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मास ऑफ वाई एटम उसमें जेड माइनस टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल मतलब एम एल्फा लिख देता हूं ना ये पूरा कर देंगे तो उससे हमें मास डिफेक्ट मिल जाएगा अगर हमें देखो डायरेक्ट न्यूक्लियस का मास गिवे ना इनके तो डायरेक्ट न्यूक्लियस के मास लेंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का मास मास्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा ना अगर हमें डायरेक्ट इनके न्यूक्लियस के मास गिवे ना तो डायरेक्ट इधर का मास निकालो इधर का मास निकालो डिफरेंस ले लो और अगर एटम का मास गिवे ना तो इलेक्ट्रॉन का मास अपट्रैक्ट कर करके हमें निकालना पड़ेगा न्यूक्लियस का मास ना, डेल्टा एम आ जाएगा फिर हम लोग क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे ठीक है यहां तक क्लियर है सभी को अब देखो ये जो क्यू वैल्यू निकलेगी वो इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी तो अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर जाएगी तो एक पहले एक्स एटम था वो रेस्ट पे था फिर उससे क्या हुआ एक अल्फा पार्टिकल निकला इससे जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा और ये वाय बन गया तो अल्फा अगर इधर जा रहा है तो मोमेंटम कंजर्व रखते हुए ये इधर को जाएगा ना तो यहां पर मोमेंटम कंजर्व रखना है अगर इसका मोमेंटम पी है तो इसका भी मोमेंटम पी होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बोल सकते हैं हम पी स्क्वायर बाय टू एम अल्फा और वाई की काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं पी स्क्वायर बाय टू एम वाई तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा वो किस रेशियो में आएगा उनके मास के इनवर्स रेशियो में आएगा ना ये कितना है ए माइनस फोर और ये कितना है फोर इस रेशियो में आ रहा होगा और टोटल ये सम कितना आएगा जितना क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन है तो ऐसे करके हम लोग एल्फा और वाय का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं ना हमें रेशियो पता है सम पता है तो उनकी एनर्जी आ जाएगी नोट करो यहां तक यहां पे देखो जो लाइट न्यूक्लियस होगा मास के इनवर्स रेशियो में काइनेटिक एनर्जी जा रही है ना तो जिसका मास कम होगा उसमें ज्यादा एनर्जी जाएगी ना अल्फा का मास कम है तो ज्यादा एनर्जी अल्फा लेके जाएगा वाय कम एनर्जी से वो पीछे जाएगा आज एक्सपेक्टेड था उतना हो नहीं पाया तो अब मंडे को ना खत्म होकर के वेडनेसडे को जाके अब ये खत्म हो पाएगा हाँ तीस मिनट बाकी है, तीस मिनट में अभी ये डिस्प्लेसमेंट लॉ ही हो पाएगा ना एटलीस्ट स्टेटिस्टिकल लॉ की थ्योरी तक हो जाता तब मंडे को खत्म हो पाता देखो यहां पर अगर हम लोग के अल्फा की वैल्यू निकालें तो के अल्फा के सामने का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल क्यू ना ये अल्फा की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और ऐसे ही अगर हम वाई की एनर्जी निकालें तो फोर अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू क्यू ये इसकी आ जाएगी ना रेशियो में डिवाइड करना सबको क्लियर है ना अल्फा का चाहिए तो उसके सामने का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू क्यू ना, ऐसे वाई निकाल दिया अब देखो ये मास डिफेक्ट तो जो रिएक्शन में हुआ वो तो कुछ फिक्स वैल्यू थी तो क्यू वैल्यू तो रिएक्शन की फिक्स है तो काइनेटिक ऑफ एल्फा पार्टिकल भी फिक्स आनी चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है जब हम एल्फा पार्टिकल को कोई मैग्नेटिक फील्ड में पास कराते हैं ना, अगर मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर से हम एल्फा पार्टिकल सब भेज रहे हैं इस लाइन के लॉन्ग तो ये देखा जाता है कि यहां से आ रहा है कोई अलग रेडियस में गया कोई अलग रेडियस में गया सब अलग अलग रेडियस में घूमते हैं तो इससे क्या समझ आ रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो वैरी कर रहा है सबका फिक्स काइनेटिक एनर्जी नहीं है कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहां से मैं अल्फा पार्टिकल्स भेज रहा हूं इधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर नहीं है ना तो वो सब अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं और हमें पता है ना रेडियस कितना होता था एम वी बाई क्यू बी चार्ज तो अल्फा पार्टिकल का फिक्स है मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है मोमेंटम को हम लिख सकते हैं टू एम के तो अगर के वैरी करेगा तभी आर वैरी करेगा ना तो इसका मतलब यहाँ अल्फा पार्टिकल क्या जो एनर्जी हमने निकाला वो एक फिक्स एनर्जी नहीं है इसमें कुछ चेंज है तो वो चेंज बाद में समझ आया कि क्या है यहां पर हमने जैसे बोला कि भाई एक्स जो है वो वाई में डिके हुआ तो जब वो वाय में डिके होता है तो ये जो वाय वाला न्यूक्लियस बनता है न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी के लेवल्स होते हैं और ये न्यूक्लियस शुरू में एक्साइटेड स्टेट में है अभी ये एनर्जी रिलीज करेगा पूरी एनर्जी अभी सारी की सारी जो हमने क्यू वैल्यू में लिखी वो रिलीज नहीं हुई है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ एल्फा बना हुआ है और कुछ एनर्जी जितना हमने क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन निकाला उतनी नहीं हुई है उससे कम हुई है तो ये जो एनर्जी कम रह गई उसको ई गामा लिखा हुआ है ई गामा अगले स्टेप में रिलीज होगी जो एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस है वो ग्राउंड स्टेट के न्यूक्लियस में जाएगा और कुछ एनर्जी रिलीज करेगा तो ये एनर्जी जो निकल रही है ये गामा पार्टिकल होगा ना यही गामा पार्टिकल की एनर्जी है इसको ऐसे लिख देता हूं अगले स्टेप में गामा पार्टिकल निकलता है ना और गामा पार्टिकल की एनर्जी को हम लोग ई गामा से दिखा रहे हैं और गामा पार्टिकल की एनर्जी कुछ भी फिक्स नहीं होती है, ना ये वैरी करती है अब अगर ये एनर्जी वैरी करेगी तो जो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी निकलेगी वो भी वैरी करेगी जो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी निकली है वही इन दोनों में डिवाइड होगी तो इसकी एनर्जी जो होगी वो बार बार क्या हो रही होगी चेंज हो रही होगी इसकी एनर्जी अगर हम निकालने अल्फा की तो वो कितनी आएगी यहां पे क्यू की जगह क्यू माइनस ई गामा लिखोगे अब ई e गामा बार, बार बार चेंज होता है ना हर बार सेम एनर्जी का गामा पार्टिकल नहीं निकलता है ना वो उसकी एनर्जी वेरी करती है तो अब वो वैरी करेगी तो इस वजह से ये पूरा टर्म वैरी करता है इसलिए अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बार बार वैरी होती है इसीलिए हमें बार बार अलग अलग रेडियस मिलता है है समझ आ रहा हमेशा अल्फा डीके में जो वाई बनेगा डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो उसका न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है ना और वो अगले स्टेप में ग्राउंड स्टेट के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है और जब ग्राउंड स्टेप के न्यूक्लियस में ग्राउंड स्टेट के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा तब एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको गामा पार्टिकल बोला जा रहा है मतलब हर अल्फा डीके के बाद गामा डीके होता है हाँ उस टाइप का मान सकते हो कि अंदर भी कुछ एनर्जी के लेवल्स हैं अलग अलग तो उनमें कैसा कौन सा डीके हुआ उस हिसाब से अलग अलग एनर्जी कुछ मिल रही है समझ आ रहा है सभी को जो रिएक्शन हमने यहाँ पे वन स्टेप में लिखा ये रिएक्शन वन स्टेप में नहीं हो रहा है ये टू स्टेप में हो रहा है पहले एक्स से वाई स्टार बन रहा है फिर वाई स्टार से वाई बन रहा है ना टू स्टेप रिएक्शन है ये और हर एक अल्फा डीके के बाद वहां पे बाद में गामा डीके होगा तुरंत कुछ चमका सबको केवल सिंगल गामा डिके नहीं होता ना अल्फा डीके होता है उसके बाद गामा डिके होता है अल्फा डीके से क्या होता है मास बाहर आता है ना तो ए कम होता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है नोट हो जाए तो बोल देना अब नेक्स्ट डीके हम लोग देख रहे हैं बीटा डीके बीटा डीके में सबसे पहला हम लोग देखेंगे बीटा माइनस डीके बीटा माइनस डीके कब उपायेगा जब न्यूट्रॉन एक्सेस में होगा ना जब एन बाई पी रेसियो ग्रेटर देन वन पॉइंट सिक्स होगा ना जब वो एक्सेस में होगा तो वहां पे क्या होगा एक न्यूट्रॉन जो होगा वो अपने को एक प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा प्रोटॉन में जब वो कन्वर्ट करेगा तो इस प्रोसेस में एक निगेटिव चार्ज निकलेगा तभी इधर इधर का और इधर का और चार्ज बैलेंस हो पाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज था नहीं प्रोटॉन पे प्लस में चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस में चार्ज आएगा तभी जा करके चार्ज बैलेंस होगा और ये जीरो ए एमयू है ये करीब वन एमयू ये भी वन ए ना और जहां पे भी एक न्यूट्रॉन का लॉस होता है वहां हमेशा एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा सो so दैट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे और साथ में वहां पर कुछ एनर्जी निकलेगी अब देखो इसको निकालने का पर्पज क्या है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन अगर मान लो ये नहीं निकलता इसका भी इस एंगुलर मोमेंटम कुछ प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा इसका भी प्लस हाफ माइनस हाफ इसका भी प्लस हाफ माइनस हाफ तो अगर मान लो इसका केवल आप देखोगे एक न्यूट्रॉन का तो मान लो कुछ प्लस हाफ है और अगर ये नहीं है तो दो पार्टिकल का मिलके कभी भी प्लस हाफ हो पाएगा या तो दोनों का प्लस हाफ प्लस हाफ है तो वन हो जाएगा या एक दोनों का माइनस हाफ है तो माइनस वन या एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ तो जीरो दो पार्टिकल से मिलके एंगुलर मोमेंटम कभी भी कंजर्व नहीं हो सकता तो एक तीसरा पार्टिकल चाहिए ही चाहिए तब सम इस साइड का प्लस हाफ पॉसिबल है आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं अगर इस साइड का एंगुलर मोमेंटम कुछ मान लो प्लस हाफ है तो या तो इसका प्लस है इसका भी प्लस है या इसका प्लस इसका माइनस या इसका माइनस इसका भी माइनस कुछ भी कर लो ये दो का मिला करके कभी भी प्लस ऑफ नहीं आएगा एक तीसरा पार्टिकल होगा तभी वहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनका सब मिल करके वापस से प्लस ऑफ हो पाए ना या इसका माइनस ऑफ है तो माइनस ऑफ तभी बन पाएगा जब तीन पार्टिकल हो दो की वजह से नहीं हो पाएगा तो एंटी न्यूट्रिनो का बस पर्पज होता है एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना ठीक है यहां तक क्लियर है सबको अब ये हम x और y सिंबल में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मान लो x वाला कोई पेरेंट सिंबलिया है जिसका z दिया है a दिया है उसके अंदर एक प्रोटॉन बढ़ गया एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो z की वैल्यू z प्लस वन हो जाएगी a की वैल्यू a ही रहेगी और बाहर एक इलेक्ट्रॉन आ गया बीटा माइनस पार्टिकल ना ऐसे हम इसका रिएक्शन लिखेंगे ना ये डॉटर न्यूक्लियस है ये बीटा माइनस पार्टिकल है फिर इसमें भी हम वैसे ही एनर्जी को डिवाइड करेंगे इन दोनों में क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन को इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो ये बहुत कम होता है पूरे क्यू वैल्यू लगभग मान सकते हो कि यहीं पर है ना ये वाला एनर्जी बहुत कम है तो इन दोनों में एनर्जी डिवाइड करेंगे और इसका मास बहुत कम होता है तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी यही लेके जाएगा ना यहाँ पे समझो ना जब आप काइनेटिक एनर्जी को मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करोगे तो इसका मास नेग्लिजिबल है तो सारी काइनेटिक एनर्जी लगभग यही लेके जाएगा और फिर अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में पास कराते हैं तो अलग अलग रेडियस मिलता है तो फिर से हमें यह समझ आया कि यहाँ पे भी रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हुआ पहले ये एक्साइटेड स्टेट में है और यहाँ पे अभी कुछ कम एनर्जी रिलीज हुई है और अगले स्टेप में ये वाई स्टार वाला जो होगा वो Y में कन्वर्ट होगा ना और यहां पर गामा पार्टिकल निकलेगा गामा पार्टिकल की एनर्जी ई गामा है ना तो इससे एक्सप्लेन हो जाता है कि क्यों बीटा पार्टिकल की एनर्जी बार बार वैरी कर रही है ना